हेलो फ्रेंड्स, मम्मी किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं आलू की सूखी सब्जी, आलू मटर की सूखी सब्जी, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल चुके। इसके लिए मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आप देख सकते हैं, आलू लिए हैं और बॉयल किए हुए प्याज, मिर्च, लहसुन, मटर और टमाटर। और ये है प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में सारे आपको इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा, सौंफ और राई को डाल दिया है। उसके बाद हम जो कटा हुआ हमने लहसुन लिया है उसको डाल देंगे। लहसुन अगर थोड़ा सा हो जाता है, उसके बाद हम मिर्च डाल देंगे। मिर्च आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, जो कि हमने बारीक काट के रखा हुआ था, और इसको हम अच्छी तरह से चला देंगे। इसके बाद हमें डालना है कश्मीरी मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, वरना मत डालिए। इसके बाद डालेंगे हम हल्दी पाउडर, उसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद डालेंगे हम धनिया पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर सिर्फ हमने कलर के लिए डाला है, ये आप अगर डालना चाहें तो डालिए, वरना मत डालिए। और यहाँ पर मैं अब ऐड कर दूँगी प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसे हम अच्छी तरह से चला देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढक के रख देंगे थोड़ी देर बाद, और हम इसे अच्छे से चला देंगे। और अब हमें इसे थोड़ा सा तेल छूटने तक पकने देंगे। अब हमारा मसाला आप देख सकते हैं अच्छी तरह से तैयार है। इसमें अब हम डाल देंगे मटर, ये हमें मटर को भी अच्छी तरह से इस तरह से चला देना है। और अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, यहाँ पर मैंने कटे हुए टमाटर डाले हैं, ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, तो यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे जो कि हमने अच्छे से काट लिए हैं। इसे हमें अच्छी तरह से चला देना है। और अब हम कुछ देर के लिए इसको ढक के रखेंगे, तो थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं, जिससे हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से पक जाएं, क्योंकि नमक डालने के बाद अच्छे से पक जाते हैं। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। लगभग मैंने इसे 3-4 मिनट ढक के रखा था। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर हैं कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं मसाले में। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू, ये लगभग आधा किलो आलू होंगे, और मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, तो इसको हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है, उसके बाद डाल देना है, और इसको भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। ये सब्जी आप पूरी, पराठे, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं तो भी आप इस तरह की सब्जी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। समोसे के लिए भी हम इसी तरह की सब्जी बनाते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा और चला देंगे, और अब हम इसको धनिया डाल के सर्व कर लेंगे, क्योंकि बिना धनिया के तो सब्जी अच्छी लगेगी नहीं। तो इसमें हम हरा धनिया डाल के सब्जी को कर लेंगे सर्व, और गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ खाएँगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई, अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।